सपा से निष्कासित नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी से निकाले गए नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडी तिवारी, ब्रिजेश यादव, प्रदीप तिवारी ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रयागराज की ऋचा सिंह ने सपा के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया। जातिवादी, जो समाजवादी पार्टी ने आपका निष्कासन किया है, क्या वो लोकतांत्रिक है? बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी अब लोकतांत्रिक पार्टी बची ही नहीं। अगर आप वहाँ कोई बात रख देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। क्या आपको कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया? नहीं, कारण बताए गए? कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया, बिना कारण के निष्कासित कर दिया गया। अब आगे फिर क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति 20-25 साल किए, अब हम लोग आगे राजनीति करेंगे। अपना आप सब पूरे समाज के लोगों से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आगे हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल के उस पे आगे की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ ऐसे चेहरे भी समाजवादी पार्टी में मौजूद हैं जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं? एक चेहरे हो तब ना बताएं, एक चेहरे तो मैं बता ही रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है उदयवीर। उदयवीर ने समाजवादी पार्टी को खत्म कर दिया और वो तब तक उस पार्टी में बना रहेगा जब तक उस पार्टी का कुछ नहीं बचेगा। नंबर फर्स्ट वीक में पूरे प्रदेश के सारे समाजवादी पार्टी से जो 25-30 साल से वादा रखते हैं उन लोगों को बुलाएं, हम लोग उनसे बात करेंगे, अगला कार्यक्रम तब तय करेंगे। देखिए, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पूर्व मंत्री रहे उन्होंने बोला, उसका हमने विरोध किया कि रामचरितमानस हिंदुओं की 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, रामचरितमानस के खिलाफ आप बोलेंगे और अमर्यादित टिप्पणी तुलसीदास जी पे करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। इन लोगों ने कहा कि आप मत बोलिए ऐसा, उनको बोलने दीजिए, वो ठीक है, समाजवादी पार्टी इसका साथ दी। मैंने कहा कि अगर रामचरितमानस और राजनीति में और MLA के टिकट में, विधायक के टिकट में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं रामचरितमानस को चुनूंगा। एक टिकट हमारे लिए मायने नहीं रखता, इसीलिए हम लोगों को निष्कासन किया गया। फांसी की सजा भी हम लोगों के लिए कम है, भगवान राम के लिए हम लोगों का निष्कासन नहीं, कई बार निष्कासन मंजूर है। इसके लिए जो लोहिया रामायण मेला लगाते थे, जो जनेश्वर जी रामायण मेले में जाते थे, आज पता नहीं किस सिद्धांतों में ये चले गए हैं। समाजवादी पार्टी अपने आप में बड़े विचारों की पार्टी है, लेकिन उसमें बसपा को थोपना, कांग्रेस को थोपना, किसी अन्य दल के पार्टियों को थोपना, इसका हम लोग विरोध करते हैं। मूल हर समाजवादी इनसे नाराज है। हम बरहज विधानसभा के धरती से आते हैं, बाबा राघव दास की धरती से आते हैं, देवरावा बाबा की धरती से आते हैं, देवरिया से, जो पूर्वांचल का दिल है, उस पूर्वांचल के दिल से मैं कहता हूँ कि यह लोग केवल अपमान करने का काम किए हैं। हम लोग समाजवादी थे, हैं और रहेंगे। यह लोग गलत ढंग से, अलोकतांत्रिक तरीके से हम लोगों को निकाले हैं, जिसका विरोध है। हम लोग एक गैर राजनीतिक मोर्चा भी मनाएंगे, जिस मोर्चे में हम लोग सारे अपने शुभचिंतकों को, इस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को बुलाएंगे, जिसमें महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस के खिलाफ, छात्रों नौजवानों की समस्याओं के खिलाफ, लड़के और लड़कियों को एडमिशन में दिक्कत के खिलाफ और समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी में उदयवीर सिंह के नेक्सस की जानकारी एक एक जनता को देने का काम करेंगे। देखिए, घोषित चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो बहुत जल्द हम लोग जाने का काम करेंगे और इन परिवारवादी, अहंकारवादी और भ्रष्टाचारी और तमाम ऐसे आपराधिक तत्वों को खिलाफ हम लोग मोर्चा खोल के कहेंगे कि आप लोग ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जो भगवान राम का अपमान करते हो, जो महंगाई के खिलाफ असेंबली में बोलने से डरते हो, जो छात्रों और बिजली की समस्याओं को योगी आदित्यनाथ के पटल पर रखने से डरते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग मतदान की अपील करेंगे। वहाँ के लोगों को आपके माध्यम से अपील करते हैं कि घोसी में आप लोग ऐसे लोग जो 27 साल के नौजवानों का, जो लोग उनके लिए खून बहाए, पसीना बहाए, हम लोग सब कुछ किए, हम लोगों का कई लोग राजनीतिक कत्ल मात्र इसलिए किए कि हम लोग रामचरितमानस और भगवान राम को अपने दिल से बचपन से लगाते हैं। हम लोग जानते हैं मंगल भवना मंगलहारी द्रवहुस दशरथा जिर बिहारी, यह लोग बोलना, इनको दर्द हो गया, इनके पेट के दर्द का इलाज हम लोगों पे नहीं। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।